अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे लिए एक सरप्राइजिंग सा गिफ्ट आया है, और गिफ्ट कहां से आया है? सरगोधा से हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं शमून, उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट भेजा है। अब उसमें क्या है, आइए जरा उसको देखते हैं कि आया क्या है मेरे लिए। पहले आइए देखते हैं, चले ये ओ, ये तो काफी बड़ा पैकेज लगता है, काफी भारी भी है ये। पता नहीं क्या भेजा है, मेरे ख्याल में इसको खोल के देखते हैं। इसको खोलते हैं जी, इसको मैंने खोल लिया है और अब ये देखते हैं। वाओ, इसमें क्या है जी, देखें, जबरदस्त। इसमें है जनाब जबरदस्त किस्म के किन्नू। वाह, और किन्नू मुझे भेजे गए हैं जी सरगोधा से, और ये तो बहुत ज्यादा है, इसका क्या करेंगे हम शमून भाई, इतने ज्यादा किन्नू भेज दिए आपने, ये तो हमसे कई दिन नहीं खाए जाएंगे और इतने दिनों में वैसे खराब हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि ये जो है फिर हम अपने जो हमसाए हैं उनको गिफ्ट करेंगे, या जो एबटाबाद में कुछ जानने वाले लोग हैं उनको गिफ्ट करेंगे। भारत पहले इन किन्नुओं को हम डालते हैं टोकरियों में और फिर खा के देखेंगे कि ये किन्नू है कैसे, कितने मीठे हैं। वैसे आपको पता है कि सरगोधा जो है वो मशहूर है किन्नुओं के लिए पूरी दुनिया में, और यहाँ से पाकिस्तान का जो किन्नू है वो पूरी दुनिया में गिफ्ट किया जाता है और ट्रेड भी किया जाता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप खा के देखते हैं कि आपके भेजे हुए किन्नू कैसे हैं। वैसे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टू मच, लेकिन हैं कैसे ये अभी देखना है। ले जी माशाल्लाह, इतने ज्यादा किन्नू आए हैं माशाल्लाह, शमून भाई ने बहुत ही ज्यादा तकल्लुफ किया है। और देखें इतने ज्यादा किन्नू है कि मैं इनको निकालते निकालते थक गया हूँ, और मुझे कई दर्जन किन्नू ये लग रहे हैं, मैं मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जो इसका वजन था तो ये तो कम लग रहा था कि कोई एक मन के करीब है। तो लेट्स सी, अब ये इतने सारा इतना मोहब्बत भरा तोहफा उन्होंने भेजा है, तो अब इसको जरा खा के देखते हैं कि ये कैसा है। पहले इसको उठा के अंदर लेके जाऊंगा और फिर खाऊंगा, जरा हाथ धो लूं क्योंकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह लगी हुई है, और वैसे भी आपको पता है कि कोरोना के मामला चल रहे हैं तो जरा एहतियात ही करनी चाहिए। इनको धोते हैं, धोने के बाद फिर खा के आपको बताता हूं शमून भाई कि आपने जो गिफ्ट भेजा है वो कैसा है। ले जनाब, बिल्कुल इस वक्त आपको मैं ऐसे लग रहा हूंगा जैसे मैं किन्नुओं के बीच में बैठा हूं, और मेरे सामने किन्नु ही किन्नु है माशाल्लाह, और रस भरे किन्नु है। आपको पता है किन्नु जो है ये पाकिस्तान का एक बड़ा ही स्पेशल फल है, और मुझे तो बहुत पसंद है, और वो कहते हैं जिसको जो चीज पसंद होती है अल्लाह पाक उसको वो दे ही दिया करते, मेरी मिसिस को भी बहुत पसंद है बारह, लेकिन ये हम दोनों से की रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है, तो अल्लाह पाक ने जिन जिन का इन पे नाम लिखा होगा उनके घर जी जाएंगे। बहरहाल अब इसको खा के देखते हैं कि जनाब ये किन्नू कैसा है, क्योंकि हैं ये बिल्कुल फ्रेश और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से शमून भाई ने भेजे, तो अब उनकी मोहब्बत की मिठास जरा देखते हैं। आजकल वैसे किन्नुओं की जरूरत भी बहुत है, क्योंकि आपको पता कि कोविड में जो किन्नू है वो फुल ऑफ वाइटामिन सी है, और वाइटामिन सी जो है वो आपकी जो कुव्वत मुदाफियत है, या जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं स्पेशली, और किन्नू इज वन ऑफ देम। तो लेट्स सी जी, ये छील लिया हमने और बिस्मिल्लाह के साथ इसको खाकर देखते हैं। वाह 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 वाह, प्योर पंजाब का मजा आया जी, मेरे पंजाब का, और पंजाब के किन्नू, और पंजाब में सरगोधा के, और सरगोधा में भलवाल के किन्नू जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और खुश रहिए, आपने मुझे किन्नू भेजे हैं और मुझे यहाँ एबटाबाद में बैठकर पंजाब का मजा दिया है। शमून भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी, और किसी दिन हम सरगोधा भी आएंगे आपसे मिलने के लिए, और फिर सरगोधा के ऊपर व्लॉग भी करेंगे, क्योंकि सरगोधा जो है उसे शाहीनों का शहर कहा जाता है, तो हम जाएंगे यहाँ से शाहीन बन के
सरगोधा में और सरगोधा का ब्लॉग भी बनाएंगे। लेकिन अभी तो मैं प्लान कर रहा हूं कि कल इंशाल्लाह, कल फ्राइडे है तो कल हम जाएं नथिया गली कल शाम को, क्योंकि इस वीकेंड पे अगेन नथिया गली में हो रही है स्नोफॉल, तो मे बी हम उस स्नोफॉल में मैं कोशिश करूंगा कि वहां से आपके साथ लाइव वीडियोस भी बनाऊं और आपको दिखाऊं कि लाइव स्नोफॉल कैसे होती है। मैं तो किनू खा रहा हूं, आपको मिले खरीद के खाइए, मुझे तो तोहफे में मिल गए हैं, लेकिन खाइए जरूर क्योंकि ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और बड़ा जबरदस्त फल है और फायदेमंद भी है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को पुश भी कर दीजिएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।